स्वागत है आपका शानदार मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग ओपन हॉल में, जो मौजूद है मुमरा के खजरी रोड पर, जो आपकी स्पेशल दिन को और भी यादगार बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 4000 मेहमानों की कैपेसिटी है। रिसेप्शन सीटिंग, डाइनिंग एरिया, साथ ही एम्पल ऑफ पार्किंग, स्पेशल स्टेज, बिग किचन, ड्रेसिंग रूम, साथ में प्रेयर रूम भी अवेलेबल है। मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग ओपन हॉल में आप शादी, इवेंट फंक्शन, बर्थडे पार्टी, सोशल गैदरिंग और बहुत कुछ आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। स्पेशल सर्विस के साथ मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग हॉल, जहां हर शादी एक कहानी बन जाती है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। थाने के उल्लास नगर के मध्यवर्ती पुलिस ने ड्रग्स का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अब तेज कर दी है। कार्रवाई के दौरान एक के बाद एक करके तीन तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए तस्करों के पास से 3,18,500 रुपये कीमत का सामान बरामद किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से ड्रग्स कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मध्यवर्ती पुलिस ने गत 11 अप्रैल को आकाश प्रेम पंजवानी 26 वर्षीय को एमडी पाउडर के साथ गिरफ्तार कर उसके पास से 1,92,500 रुपये कीमत का सामान बरामद किया था। पुलिसिया पूछताछ में आकाश ने कबूल किया कि उसने गोल मैदान के पास के रहने वाले अशोक गुप्ता से मादक पदार्थ खरीदा था। आकाश की निशानदेही पर पुलिस ने अशोक गुप्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ किया तो अशोक ने बताया कि चोपड़ा कोर्ट के पास के रहने वाले समीर जेठा खत्री 29 वर्षीय से उसने यह मादक पदार्थ खरीदा था। पुलिस समीर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने समीर को भी पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मध्यवर्ती पुलिस तीनों तस्करों के पास से 3,18,500 रुपये कीमत का सामान बरामद किया है। शंकर अवताड़ी, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सेंट्रल पुलिस स्टेशन उल्लासनगर, ने इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है, आपको सुना दें। मध्यवर्ती पुलिसांच्या हद्दीमध्ये गेल्या काही दिवसापासून आम्हाला 30 ते 40 जण गांजा किंवा इतर अंमली पदार्थ सेवन असलेले नोंद आले होते। त्यानुसार माननीय पोलीस आयुक्त सरांनी आदेश दिले होते की कोण गांजा किंवा एमडी इतर नशिले पदार्थांच्या बाबतीत माहिती काढा। त्यानुसार आमची डीबी टीम एपे सावंत चिटणीसाहेब यांनी यांना माहिती मिळाली आणि माहितीच्या आधारे आपल्या उल्हासनगर परिसरातून आपल्याला एकूण 2 आरोपी मिळाले होते। त्यात 6 किलो गांजा होता, त्याची किंमत 72,000 होती आणि त्याच्यानंतर आपल्याला 10 ग्रॅम एमडी मिळालं होतं। त्या एमडीमध्ये जी ज्याकडून घेतला ते अजून आम्हाला 2 मिळाले होते, असे 3 एमडीमध्ये आणि 1 गांजामध्ये मिळाले आणि गांजामुळे 72,000 रुपयाचं गांजा आहे आणि एमडीमध्ये टोटल 3,18,000 रुपयाचा आपण एमडी व इतर साहित्य देऊन जप्त केलेलं आहे आणि 3 आरोपींना आपण अटक केलेली आहे। आम्हाला जे गांजा विक्री जो मिळालेला आहे व्यक्ती तो बाहेरून गांजा आणत होता अशी माहिती मिळते बाहेर राज्यातून, तर त्याबद्दल आमचा शोध सुरू आहे। आरोपीची नाव याच्यामध्ये सोमनाथ धर्मा जो गांजा विक्री करणारा आहे त्याचं नाव आहे सोमनाथ धर्मा सोनवणे आणि जो एमडी मिळालेला आहे त्या एमडीमध्ये एकूण 3 आरोपी आहेत। त्या 3 आरोपीचे नाव आहेत आकाश प्रेम पंजवाणी, रोहित अशोक कुमार गुप्ता आणि समीर जेठा खत्री, अशी हे 3 आरोपींची 3 आरोपी एमडीमध्ये आणि 1 आरोपी गांजामध्ये असे 4 नाव आहेत। एमडी साधारणतः त्याची 1,00,000 रुपये किंमत आहे, 10 ग्रॅम आहे आणि तो उल्हासनगर परिसरातून जप्त केला।